mechanism. Name of activity is order of rotational symmetry. इसमें हमने यहाँ पर चार फिगर्स बनाई हैं ये जानने के लिए कि इनको जो है कितनी बार घुमाने से इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है। तो फर्स्ट शेप इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसको हम 3 times रोटेट करते हैं 1, 2 और 3 तो ये 3 times रोटेट करने पर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है 3। नेक्स्ट फिगर इज स्क्वेयर। अगर इसको हम 4 times रोटेट करते हैं तो इसका जो है ओरिजिनल शेप आ जाती है। तो स्क्वायर की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कितनी है 4। नेक्स्ट शेप इज सर्कल विद 3 radius। अगर इसको हम 3 times रोटेट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 3। ये हमारे पास एक अनदर फिगर है। अगर इसको हम 2 times रोटेट करते हैं 1 और 2 तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है 2। थैंक यू।